Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today I will share you LKG daily practice worksheet maths. आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ LKG क्लास के बच्चों के लिए डेली प्रैक्टिस बेस पे आप मैथ्स की इस टाइप्स की वर्कशीट आप बच्चे को दे सकते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं डेली प्रैक्टिस वर्कशीट मैथ्स, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो काउंट एंड रीड एंड कलर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, सिंपली सभी ऑब्जेक्ट को काउंट करना है, देन आफ्टर उसमें क्या करना है, कलर्स करने हैं। यहाँ पे बच्चे को रीड करना है, ये क्या है, फाइव एप्पल्स। तो बच्चे को यहाँ पे सिंपली फाइव एप्पल्स जो है वहां पे क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे क्या करना है, पूरा कलर करना है इस तरह से, वन टू थ्री फोर एंड देन फाइव एप्पल्स पे। देन आफ्टर नेक्स्ट क्या है, वन हेड, वन हेड पे क्या करना है, इस तरह से वन हेड पे कलर करने हैं। देन आफ्टर एट रैबिट्स, तो इस तरह से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट रैबिट पे क्या करना है, यहाँ पे कलर्स करने हैं। देन आफ्टर टू कार्स, जो वन एंड देन टू कार्स पे क्या करना है, यहाँ पे कलर्स करने हैं। देन आफ्टर फोर बैग्स, तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर, फोर बैग पे क्या करना है, यहाँ पे कलर करने हैं। इस तरह से बच्चे को सिंपली बच्चे को रीड करना है, देन जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या करना है, कलर्स करने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो सर्कल द करेक्ट नंबर ऑफ ईच वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स यानी कि नंबर नेम लिखा हुआ है, जिसमें जो करेक्ट नंबर है वहां पे क्या करना है, सर्कल बनाना है। सपोज ये क्या है, नाइन है, तो इस तरह से नाइन पे क्या करना है, सर्कल बनाना है। देन आफ्टर टू है, तो इस तरह से टू पे सर्कल बनाना है। फोर है, तो इस तरह से फोर पे सर्कल बनाना है। देन आफ्टर थ्री, इस तरह से थ्री। फाइव है, तो इस तरह से फाइव पे। देन सेवन है, तो इस तरह से सेवन पे क्या करना है, सर्कल्स बनाना है। इस तरह से नंबर्स नेम्स के अकॉर्डिंग जो करेक्ट नंबर है वहां पे क्या करना है, सर्कल्स बनाने। देन नेक्स्ट वर्कशीट इज काउंट द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मैच विद द नंबर नेम। यहाँ पे क्या करना है, सभी ऑब्जेक्ट को काउंट करना है। देन बच्चे को क्या करना है, सिंपली उसके सामने कुछ नंबर्स नेम दिए हैं, उसके सामने ही क्या दिए हुए, कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए, तो बच्चे को ऑब्जेक्ट को काउंट करके उसका जो नंबर नेम है वहां पे क्या करना है, मैच करना है। सपोज हाउ मेनी लॉलीपॉप्स आर देयर, वन टू एंड थ्री, तो इस तरह से थ्री पे क्या करना है, मैच करना है। एंड देन आफ्टर वन टू थ्री फोर, तो इस तरह से यहाँ पे फोर पे। टू कैरेट है, तो इस तरह से टू पे मैच करना है। वन लीफ है, तो इस तरह से वन लीफ पे क्या करना है, मैच करना है। इस तरह से काउंट करके बच्चे को उसके नंबर्स नेम के साथ क्या करना है, मैच करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो कलर द स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द नंबर। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो स्क्वायर शेप्स है उसमें क्या करना है, कलर्स करने हैं। सपोज यहाँ पे वन है और नंबर नेम में भी लिखा हुआ है ओ एन ई वन, तो यहाँ पे क्या करना है, वन जो स्क्वायर है इस तरह से जो पूरा वन स्क्वायर है वहां पे क्या करना है, इस तरह से कलर्स करने हैं। देन टू पे कलर करने हैं एंड थ्री के, इस तरह से वन एंड देन टू, और यहाँ पे थ्री, वन टू एंड थ्री, इस तरह से यहाँ पे जो स्क्वायर शेप्स है वहां पे क्या करना है, कलर्स करने हैं। देन नेक्स्ट वर्कशीट इज, नेक्स्ट वर्कशीट जो है हाउ मेनी। यहाँ पे बच्चे को लीफ को काउंट करके उसका नंबर यहाँ पे लिखना है। सपोज इसमें कितने हैं, वन है, तो इस तरह से वन, वन टू थ्री, तो इस तरह से थ्री लिखना है। देन आफ्टर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ पे क्या लिखना है, सिक्स। देन आफ्टर यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो यहाँ पे क्या लिखना है, एट लिखना है। इस तरह से बच्चे को काउंट करके, उस तरह से बच्चे को काउंट करके उसका जो नंबर्स है वो यहाँ पे क्या करना है, इस ब्लैंक्स में फिल करने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ऐड एंड मैच। यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, ऐड करके मैच करना है। सपोज प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, तो इस तरह से यहाँ पे थ्री के साथ क्या करना है, मैच करना है। उसके बाद वन प्लस थ्री यानी कि क्या आएगा, यहाँ पे आंसर जो है वो है फोर। इस तरह से वन प्लस फोर, तो यहाँ पे क्या आएगा, फाइव। इस तरह से बच्चे को ऐड करके उसका जो करेक्ट आंसर है वहां पे उसके साथ क्या करना है, मैच करना है। उसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ड्रॉ सीड्स अकॉर्डिंग टू नंबर्स। यहाँ पे एप्पल्स जो है उसमें सीड्स बच्चे को ड्रॉ करने हैं, किसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करने हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बच्चे को ड्रॉ करने हैं। सपोज यहाँ पे वन है, तो इस तरह से बच्चे को वन सीड्स ड्रॉ करना है। फोर है, तो इस तरह से वन देन टू एंड देन थ्री एंड देन फोर, इस तरह से फोर सीड, इस तरह से सेवन थ्री टू एंड फाइव, इस तरह से बच्चे को नंबर्स के अकॉर्डिंग सीड्स जो है वो क्या करने हैं, यहाँ पे ड्रॉ करने हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो राइट द मिसिंग नंबर इन ईच रो। यहाँ पे कुछ नंबर्स मिसिंग है, वो बच्चे को यहाँ पे जस्ट कैप्टोफिलो में क्या करने हैं, फिल करने हैं। सपोज 5, 6 तो क्या आएगा यहाँ पे 7 इस तरह से, उसके बाद 3 तो क्या आएगा 4 and 5, देन आफ्टर 6, 7, 8, 10, 11, 12। यहाँ पे बच्चे को जो मिसिंग नंबर्स हैं वो क्या करने हैं, यहाँ पे फिल करने हैं। बस इस तरह से आप बच्चे को डेली प्रैक्टिस वर्कशीट दे सकते हैं। अगर आपको इन सारी वर्कशीट की पीडीएफ फाइल चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको शेयर कर दूंगी। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो यूजफुल लगा हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।